बड़ी खबर बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदेश में चार चरणों में होगा मतदान। 3,848 ग्राम पंचायतों में चार चरणों में ये चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला है। पंचायत चुनाव को लेकर चल रही है तैयारियां। 28 सितंबर, 3 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को होंगे चुनाव। तो प्रदेश में चार चरणों में मतदान होगा। पंचायत चुनाव को लेकर अब जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब यहां पर पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी जो तैयारियां हैं वो कर दी हैं और चार चरणों में ये मतदान होगा। 3,848 ग्राम पंचायतों में चार चरणों में मतदान होगा। 28 सितंबर, 3 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को ये चुनाव होंगे। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, यहां पर पंचायत चुनाव को लेकर यहां पर बड़ा फैसला सामने निकल कर आ चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल इस समय चल रहा है और ऐसे में अगर चुनाव कराए जाते हैं निश्चित तौर पर इतना आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा एक मामला है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की वजह से ये जो चुनाव है लंबे समय से अटके हुए थे, क्योंकि ये चुनाव जिस तरीके से जनवरी के अंदर 11,341 ग्राम पंचायतों के चुनाव थे, जिसमें से 7463 ग्राम पंचायतों के चुनाव हो चुके थे और शेष 3859 ग्राम पंचायतें बची थी जिनके चुनाव अप्रैल के अंदर होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये जो पूरे चुनाव थे टल गए थे और लगभग 5-6 महीने से चुनाव लगातार टल रहे थे। अब इस मामले में निर्वाचन विभाग ने जो लगातार गाइडलाइन जो देखी कि किस तरीके से क्या चुनाव कराया जाए, क्योंकि अधिकांश ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो ऐसे मामले में गाइडलाइन का अध्ययन किया। सी सुनील अरोड़ा जो इस मामले में राजस्थान में आए थे पिछले दिनों, निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के साथ में उन्होंने मीटिंग भी की थी कि बिहार के अंदर जिस तरीके से इलेक्शन करवाए जा रहे हैं वहां पे इलेक्शन का अध्ययन किया जाए, गाइडलाइन देखी जाए, तो उसके बाद में राजस्थान में किस तरीके से जो चुनाव है तो वो चुनाव देखे जाए। साथ के साथ इसमें यह बताया गया कि राजस्थान के अंदर जो चुनाव है उसके अंदर एक अलग तरीके से यहाँ पे मायने रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ पे हम बात करते हैं, एक बूथ के ऊपर जिस तरीके से 1100 मतदाताओं की पहले जिस भाग लेने की बात थी, तो अब किस तरीके से मतदाताओं की संख्या जो है कम किया जाए, तो राजस्थान के अंदर अब जो हर एक बूथ के ऊपर 900 से ज्यादा मतदाता भाग नहीं ले सकेंगे, तो मतदाताओं की संख्या भी काफी कम होगी। और साथ के साथ जो टाइमिंग जो है ग्राम पंचायत चुनाव का, सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक का टाइमिंग रहेगा और इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बारीकी तौर पर उस पर ध्यान दिया गया है। और राजस्थान के अंदर चार चरणों में मतदाता ये चुनाव होंगे, इसमें 28 सितंबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 10 अक्टूबर चार चरणों के अंदर ये चुनाव होंगे और टोटल 3848 ग्राम पंचायतें हैं उसके अंदर ये चुनाव होंगे। बिल्कुल मनीष, अगर बात करें तो हम यही बात कर रहे हैं कि हालांकि निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से तारीखें घोषित करी हैं वो काफ़ी रिसर्च करके तारीखें घोषित करी है, लेकिन हम ग्राउंड लेवल पर अगर बात कर लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे अहम मुद्दा है कोरोना काल को लेकर, इसको बनाए रखना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी ग्राम पंचायतें हैं और ऐसे में क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जब जाते हैं तो स्थितियां कुछ उस समय अलग होती है, कागजों में स्थितियां अलग होती है। जी बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पे स्थितियां बिल्कुल अलग होती है और कागजों में स्थितियां अलग होती है, लेकिन निर्वाचन विभाग जो है पिछले 4-6 महीने से इसी पर तैयारियां कर रहा है कि किस तरीके से ग्राम पंचायतों के अंदर जो चुनाव है तो ये करवाए जाएं जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी हो सके, साथ के साथ जिस तरीके से कोरोना लगातार राजस्थान में फैलता हुआ जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मतदाताओं के लिए जो परेशानी वाली बात है वो आगे जाके कहीं और ना बढ़े, तो इसको लेकर मतदाता जो है उनका ध्यान रखा जाए और चुनाव भी जो है इस जो आराम से संपन्न हो जाए। तो कहीं ना कहीं इस मामले में निर्वाचन आयोग ने लगातार जो मॉनिटरिंग की है पिछले 4-6 महीने में लगातार जो मीटिंगें हुई है इनकी, तो इसके बाद में अब जो है डेट डिक्लेयर की गई है और डेट डिक्लेयर में यही ध्यान रखा गया कि चार चरणों के अंदर चुनाव इसीलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि एक के बाद में एक चार चरणों में जब स्टेप बाय स्टेप चुनाव होंगे तो इसमें कोरोना को लेकर कोई ज्यादा खतरा नहीं होगा और मतदाताओं को जो है इसमें कोरोना को लेकर कोई खतरा नहीं हो, इसको लेकर निर्वाचन आयोग ध्यान रख रहा है। तो चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। तो हमारे संवाददाता मनीष हमें ये ताज़ा अपडेट दे रहे थे
कि पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला सामने निकल कर आ चुका है। 4 चरणों में ये चुनाव होंगे और हालांकि निर्वाचन विभाग ने पूरी रिसर्च के तौर पर ये चुनाव की घोषणा की है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना काफ़ी अहम होगा इन चुनाव में। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि आज